नमस्कार, जी टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला, वहीं दूसरी तरफ एक अधेड़ की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया गया था। दोनों घटनाओं को लेकर जहां क्षेत्र में सनसनी का लहर फैल गया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा पोस्टमार्टम हेतु परीक्षण के लिए भेज दिया है तथा जांच में पुलिस जुटी हुई है। लोगों की तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है कि वहीं पेड़ से लटकते हुए शव व उसके चाचा से एक दिन पहले विवाद हुआ था। विवाद के बाद उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि कहीं न कहीं पारिवारिक कलह से लेकर मेरे पति को हत्या कर उसे पेड़ से लटका दिया गया है। इस तरह के आरोपों को लेकर पुलिस ने जांच में जुटी हुई है तथा फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। शहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। देहात क्षेत्र में एक बॉडी मिली है, क्या मामला पूरा है? ये थाना खुर्जा देहात अंतर्गत दिनौर गाँव है, इसमें धराऊ नहर में एक बॉडी मिली है। उसकी उम्र 60 साल के आसपास है और ये बॉडी की कंडीशन देख के लग रहा है कि वो 6 से 7 दिन पुरानी है। तो इसमें जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पे गई, फॉरेंसिक के मदद लेके वहाँ पे फोटोग्राफी कराई गई है और बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में लेके उसकी शिनाख्ती कार्रवाई कराई जा रही है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जैसे भी इसमें अगर इसकी शिनाख्त हो जाएगी फिर उसके बाद आगे अगर कोई तहरीर आती है तो कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। सर, एक जहांगीराबाद क्षेत्र में पेड़ से लटका हुआ शव मिला है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक शव मिला है पेड़ से लटका हुआ है। इसकी पहचान कराई गई तो ये राकेश सनो प्रकाश है, रहने वाला नगला लुधान का है जो जहांगीराबाद क्षेत्र में आता है। तो बाद में इसमें जब और भी पूछताछ की गई तो पता चला इसका घर में आपसी कोई विवाद था, परिवार वालों से कोई लड़ाई झगड़ा था, तो उसकी वजह से अभी तक जो मामला देखने में आ रहा है वो सुसाइड का लग रहा है। बाकी उसके अलावा भी हम लोग फॉरेंसिक को भेज के आगे जो है कार्रवाई कराई जा रही है। बॉडी को हमने अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अगर कोई तहरीर उस तरह की आती है तो उसको मुकदमा कायम करा के आगे विधिक कार्रवाई कराई जाएगी।